आइए बात करते हैं बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को लेकर डीसी के जरिए सीएम को मांग पत्र सौंपे जाने की। बागबेड़ा महानगर विकास समिति तथा संपूर्ण घाघेड़ी विकास समिति के सदस्यों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर बंद पड़ी योजना को जल्द से जल्द शुरू कराने की मांग की। समिति ने ऐसा नहीं होने पर स्थानीय लोगों द्वारा वृहद जन आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी है। पानी दो, पानी दो, मुख्यमंत्री पानी दो, 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 पानी दो, पानी दो, चालू करो, चालू करो, चालू करो, बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना जमशेदपुर की बहुप्रतीक्षित बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का काम लंबे अरसे से अधूरा पड़ा है, जिससे क्षेत्र के निवासियों में भारी नाराजगी है। बता दें कि बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना से घोर पेयजल संकट से जूझ रहे बागबेड़ा तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी अब तक ये योजना पूरी नहीं हो सकी है। फिलहाल बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का काम ठप है। गुरुवार को बागबेड़ा महानगर विकास समिति तथा संपूर्ण घाघेड़ी विकास समिति के सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर डीसी को मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें बंद पड़ी योजना का काम अविलंब पुनः शुरू कराने की मांग की गई है। मांग पत्र में ऐसा नहीं होने पर राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन के विरुद्ध वृहद आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी गई है। संपूर्ण घाघेड़ी विकास समिति के अध्यक्ष छोटराय मुर्मू ने कहा कि विभागीय लापरवाही एवं संबद्ध एजेंसी से तालमेल नहीं होने के कारण बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की राशि का 99% खर्च होने के बाद भी आज ये अधूरी पड़ी है। जल्द काम शुरू नहीं होने पर वे जमशेदपुर से दिल्ली जाकर संसद भवन का घेराव करेंगे। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना में 99% लागत राशि खर्च हो चुकी है, लेकिन आम जनता को एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हुई है। विभागीय लापरवाही और एजेंसी के आपसी तालमेल नहीं बांटने के कारण योजना पूरी तरह से ठप है। अगर यही रवैया रही तो हम सभी आंदोलनकारी जिस तरह से राज्य तक हम लोग 2012 में पदयात्रा किया था और विधानसभा घेराव किया था, उसी तर्ज पर जमशेदपुर से हम लोग दिल्ली संसद भवन तक का घेराव करेंगे और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे और बृहद आंदोलन हम लोग करेंगे, जिसका जवाबदेही सरकार की। वहीं भाजपा नेता सुबोध झा ने कहा कि बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल की गई, लेकिन अब तक काम अधूरा पड़ा है। सुबोध झा ने योजना का काम जल्द शुरू कराने की मांग को लेकर रांची हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की बात कही। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की मांग को लेकर संपूर्ण घाघेड़ी विकास समिति, बागबेड़ा महानगर विकास समिति के द्वारा 2005 से क्रमबद्ध जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इस लड़ाई के लिए जमशेदपुर से रांची तक की पदयात्रा की गई और इस आंदोलन के बाद 237 करोड़ रुपया इस योजना में स्वीकृत हुई और उसके बाद भी ये योजना आज तक जो है धरातल पर नहीं उतरी और जो निर्माण कार्य किया गया वो इतना घटिया निर्माण कार्य किया गया है कि आज बाढ़ में जो है दो पाया जो है उसका बह गया, लोगों को पानी भी नहीं मिला और ये योजना जो है धराशायी हो रही है। इसकी मांग को लेकर के पुनः बड़े पैमाने पर जन आंदोलन का तय किया गया है और अगर ये योजना धरातल पर नहीं आती है तो हम लोग रांची हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे। इस योजना को लेकर 399 बार धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, घेराव, कई बार जो है पदयात्रा के माध्यम से उपायुक्त कार्यालय पे घेराव, यहाँ तक कि जमशेदपुर से रांची तक जाकर के विधानसभा का पदयात्रा करके घेराव, उसके बाद में इस योजना की स्वीकृति के बाद भी 18 अप्रैल 1915 में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा इसका शिलान्यास हुआ और आज तक 2022 तक जो है जनता को एक बूंद भी पानी नहीं मिला और 237 करोड़ रुपये का जो है गमन हो गया। अब इस मामले को लेकर संपूर्ण घाघेड़ी विकास समिति, बागबेड़ा महानगर विकास समिति, हमारे जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं छोटराय मुर्मू जी, कृष्णा चंद पात्रो जी, रितु सिंह जी, परवा हाजदा जी, मनोहर जी, भागीरथ जी, रुपेश शर्मा जी, हमारी तमाम महिला बंधुए और जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं सब ने, गुड्डू जी, सब ने तय किया है कि इस बार अब हम लोग कोई आंदोलन तो हम लोग कर ही रहे हैं, साथ में इस बार हम लोग हाई कोर्ट में जाकर के
जनहित याचिका दायर करेंगे। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।